हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी मैथ्स ऑफ स्टैंडर्ड 8। न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 11, मेंसुरेशन। ओके, लास्ट स्टैंडर्ड में आप लोगों ने 7th में 6th में मेंसुरेशन के बारे में स्टडी किया हुआ है, जहाँ पर हमने पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड किया। ओके, यहाँ पर भी सेम यही, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 11.1 एक्सरसाइज का। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एस गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड इज अ लार्जर एरिया। ओके, यहाँ पे टू फिगर्स हमको दिए हुए हैं, एक रेक्टेंगल है एंड एक स्क्वायर, दोनों का सेम एरिया है, पेरीमीटर दोनों का सेम है, उसके थ्रू हमको इनका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये है स्क्वायर एंड वो रेक्टेंगल, तो यहाँ पर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके थ्रू आगे जाएंगे हम। ओके, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 4 × L। ओके, 4 साइड्स इसकी इक्वल होती है, सो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं 4L। देन इसके लिए होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए होगा 2 × L + B। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4L, साइड कितना है यहाँ पर 60, सो ये 60 हुआ। देन 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमको इसमें गिवन है 80 सेंटीमीटर, बट ब्रेथ हमको इसमें गिवन नहीं है, तो फर्स्ट हम ब्रेथ फाइंड करेंगे। सो ये होगा 6×4=24, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2×8=60 एंड 2B। ओके, सो यहाँ पर देखिए अब हमको 2B फाइंड करना है, सो ये नंबर्स है, इस नंबर को इस साइड ले आएंगे हम, तो ये होगा 240 - 160। देन 2B = 0, 14 - 6 = 8, सो यहाँ पर 2B = 80, सो B = 80/2 एंड इट इज 40 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास बी कितना आया है 40 सेंटीमीटर, जो हमको यहाँ पर पता नहीं था, ये हमने फाइंड किया यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हमको बी चाहिएगा, है ना। अब एरिया फाइंड, हमको यहाँ पर एरिया करना है और बताना है कि कौन सा लार्जर है, तो जब तक दोनों का एरिया फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि किसका एरिया लार्जर है। ओके, तो यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, L × L। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इट मीन 60 × 60, सो 6×36 एंड 20, ये हुआ स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला है हमारा L × B, ये सभी आप लोग 6th, 7th, 5th से पढ़ रहे हैं ये फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर L हमारे पास गिवन है 80 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 40 सेंटीमीटर, सो 8×4=32 एंड 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो यहाँ पर 3200 एंड यहाँ पर है 3600, तो कौन सा एरिया लार्जर है, यहाँ पर स्क्वायर लार्जर एरिया स्क्वायर का है, किसका है स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर हुआ। ओके, इसी टाइप से आगे के सम्स हमको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय।